स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ फेसबुक फेसबुक जो है इस पर एक मूवी भी बनी है सोशल नेटवर्क के नाम से जिसमें इसकी ये जो फेसबुक बना कैसे ये कैसे यू नो हाउ इट केम इन टू बीग और जो दो फ्रेंड्स होते हैं मार्क जुकरबर्ग जो कि इसका सी ई भी है और उसका एक दोस्त था आई जस्ट डू नॉट रिकॉल हिज नेम तो किस तरह से उनका वो इसको ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बेसिकली इसको डेवलप करते हैं और उस वक्त नो बॉडी नो न्यू के ये एक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बन जाएगा तो इनके अपने तीन जो ये जो, जो मेजर प्लेटफॉर्म उसमें से तीन इनके अपने हैं फेसबुक के अलावा ये इन्होंने एक्विजिशन की है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये दोनों भी इनके हैं और इन्होंने अभी ड्यू टू क्योंकि यू एस मार्केट इज़ वेरी अजीब इन द सेंस के वहाँ पर जो लीगल मैटर्स और इस तरह के कम्पटिशन के काफ़ी होते हैं तो अब इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी चेंज कर लिया मेटा कर दिया है जस्ट मैटर और अब इसका अगर आप इंटरनेट पे इफ़ यू हैव सम इंटरेस्ट यू कैन गो एंड डू सम रिसर्च यू विल अंडरस्टैंड के इसके पीछे क्या जो भी इकोनॉमिकल रीजंस हैं या वहाँ के जो भी लोकल लॉज के मामलों हैं तो वो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिए और फेसबुक ने टिल इट्स इंसेप्शन टोटल अब तक नाइन्टी वन की हैं और ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल और कल ने शायद इत, इतनी या इससे ज़्यादा जो एक्विशन की होंगी और देर इज़ अ वे ऑफ मेकिंग मनी इन द यू एस कि आप एक कंपनी बनाते हैं फिर किसी बड़ी कंपनी को उसको बेच देते हैं दैट इज़ हा पीपल मेक मनी और यू एस की मार्केट में हर दिन आई थिंक फ्यू हंड्रेड न्यू कम्पनीज़ दे आर बींग रजिस्टर्ड विद द सेम ऑब्जेक्टिव कि उन्होंने कंपनी बनानी है उसको चलाना है और फिर उसको लॉन्च करना है यू कैन ऑल्सो ट्राई वहाँ पर आई मीन दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ़ अवर डिस्कशन है स्कोप का हिस्सा नहीं है बट देर आर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जो आपकी फंडिंग करते हैं इफ़ यू हैव यूनिक आइडियाज़ तो आप उनको कन्वर्ट दैम इंटू बिज़नेस प्लान एंड यू गो टू कंपनीज लाइक वाई कम्बीनेटर्स वो आपको आपका जो प्रपोज़ल है उसको स्टडी करते हैं एंड दैन दे एक्सेप्ट इट और यू नो डेक्लाइन यूर प्रपोजल बट दिस इज़ वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग एंड एक बहुत बड़ा काम है और इस्पेशली इस एरिए में जो जो स्टार्टअप्स और फिर इनकी एक्विजिशन इसमें जो सबसे ज़्यादा काम है वो टेक स्टार्टअप्स में होता है किसी और इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में यू कैन स्टार्ट विद दी यू नो वेरी लिमिटेड अब जितनी भी ये बड़े बड़े नाम है अगर आप देखें दे स्टार्ट वेरी वेरी स्मॉल ये फेसबुक जैसे मैंने कहा वो प्लीज यू वॉच दिस मूवी यू विल अंडरस्टैंड वो स्टूडेंट्स हैं अपनी डोमेट्री में डिस्कस करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में दे कम अप विद दिस आइडिया नो इट इज़ वन ऑफ द वर्ड्स बिलियन डॉलर्स की इसकी इस, की वर्थ है इस वक्त तो बेसिकली इसमें ये देखिए एक्टिव यूज़र जो है टू पॉइंट नाइन बिलियन लोग तीन अरब के करीब लोग इसको डेली यूज़ करते हैं कैन वी इमेजिन कि कोई दुनिया में इंटरनेट से पहले कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा तरीका नहीं था कि एक वक्त में आप इतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सके या कम्युनिकेट कर सके बल्कि इवन आज से 10-20 साल पहले भी 25 साल पहले भी तो टैलेक्स या टेलीग्राम दैट वाज द फास्टेस्ट उसके बाद फिर फैक्स आई और फिर ईमेल और बाकी चीज़ें आ गई वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अगर आपने कोई इंफॉमेशन शेयर करनी है किसी स्पेशली कोई कंटेंट शेयर करना है तो टेलीफोन तो था बट दैट वाज अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव कोई आपके पास सेटलाइट्स कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं थी अब तो हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है सो दिस इज़ द रीज़न फिर अब आप इसमें आप अगर इसको एज ए पर्सन अपना ब्रांड जैसे मैंने कहा कि वो वी लॉगर्स लोग बन गए हैं ब्लॉग्स लोगों ने अपने बनाए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं डिस्कशन करने के लिए वर नॉट पॉपुलर बिफोर राइट तो वो उसको फिर आप अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि आपका अकाउंट आफ्टर यू हैव अ सर्टन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स सपोज़ एक लाख अगर आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं या इससे भी कम हो सकता है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं उनकी जिक्वायरमेंट डिफरेंट हो फिर आपका जो अकाउंट है इट इट इज़ मोनिटाइज्ड और फिर उसके वो उसके ऊपर जू स्टार्ट मेकिंग मनी और बहुत सारे लोग हैं आई नो इन पर्सनली मैं लोगों को जानता हूँ जो कि प्लेयर्स हैं क्रिकेट के जो हु आर मेकिंग गुड मनी दे डू नॉट डू एनी लेकिन हर महीने दे आर मेकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जो उनका ट्विटर और जो उनके फेसबुक के या सोशल मीडिया की जो उनकी प्रेजेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ देट दे आर मेकिंग जो उनके फैंस हैं यू you नो know, वो उस वजह से लोग सिर्फ दे आर मेकिंग मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग अब इसमें जो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ऑबियसली पॉपुलेशन से ये चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा वहाँ पर उस पर्टिकुलर कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उसके यूज़र होते हैं तो फेसबुक केस में देखिए यू इज़ नंबर टू फिर इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है फिर अगर हम देखें शायद इसमें ये देखिए यूके अब ये इट्ज़ वेरी यू नो इजी टू अंडरस्टैंड बांग्लादेश है हमारे पास इजिप्ट है थाईलैंड है वियतनाम है फिलीपींस है मेक्सिको है यू नो दे डिफरेंट कंट्रीज और ये उनकी पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिलेट दो चीज़ों से एक पॉपुलेशन और दूसरी वहाँ पर इंटरनेट की पेनिट्रेशन क्या है दो कम्युनिकेशन या नैटवर्कस वगैरह वो कितने हैं और कितने बड़े हैं और उसे कहते हैं दो चीज़ें एक है इंटरनेट की पेनिट्रेशन और दूसरा उसको कहते हैं टेली डेंसिटी जो आपके पास टेलीकॉम के नेटवर्क है वो कितने बड़े है? क्योंकि जो आपका इंटरनेट है ना वो भी ट्रैवल करता है अब टेलीकॉम का जो नेटवर्क है उसके ऊपर इन चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा इसकी डिपेंडेंसी है अब ये कुछ मैंने वो जो स्क्रीन शॉट्स हैं ये आपके एक्चुअल हैं ये इसके फेसबुक के कि किस तरह से आप इसमें फ़र्ज़ करें आपने एक एडवर्टाइजमेंट करनी है आप कोई भी पोस्ट करते हैं ना तो इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाएगा फ़ेसबुक से कि जी आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करें बूस्ट करने का क्या मतलब है कि आप कहते हैं जी कि मैं फलाँ, फलाँ के तरह के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ और वो आपसे फिर कुछ पैसे मांगते हैं एंड दैट मनी इज़ वेरी वेरी लिटल और फ़र्ज करें भी कुछ दिन पहले वी एडवर्टाइज फॉर दी जॉब ओपनिंग के लिए वी पेड जस्ट फिफ्टीन डॉलर्स और वो आठ दिन तक वो जो हमारी एड थी इट विल कीप ऑन यू नो सर्कुलेटिंग और अपियरिंग ऑन डिफरेंट जो भी हमारा जो नेटवर्क था उसके अंदर तो यू कैन इमेजिन के पंद्रह डॉलर में आठ दिन के अंदर अगर आप कई लाख लोग आपका आपकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं ये ना तो टी में पॉसिबल है ना किसी और तरह से पॉसिबल है इतनी सस्ती क्योंकि टी की एड जो है दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एड्स और इसकी व्यूअरशिप बहुत ही कम होती है एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ दैट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ़ प्राइड तो सोशल मीडिया के अंदर जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं या उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है उसके अंदर फिर इसके अंदर आप देखिए कि ये जो ये जो आपके फॉलोअर है उसका आपका जो इंगेजमेंट है पोस्ट की कि मैन कितने हैं है, वुमेन कितने हैं ये जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते दे तो यू टेल योर जेंडर आप उसको हाइड भी कर सकते हैं आप बता भी सकते हैं योर मेल और अ फीमेल या आप नहीं बताएंगे तो इट विल फॉल इन अननोन इसी तरह ये जो और कुछ डिटेल है यहाँ पे कि ये जो हमारी एड थी इट रीच थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टीन पीपल इन माई ऑडियंस और ये मैं उसी ऐड की बात कर रहा हूँ वालबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये एक्चुअल है और जो टोटल अमाउंट मैंने स्पेंड किया दैट इज़ टेन पॉइंट एटीन डॉलर्स कि ये तकरीबन दस डॉलर खर्च करके मैंने अपना मैसेज पहुँचा दिया तकरीबन चार हज़ार लोगों को विच इज़ अदरवाइज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप जॉब पोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फिर जो एक्टिविटी है कि आपकी जो डिफरेंट लोग आपके साथ एंगेज होते हैं ये और ये दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्ज़ैम्पल और आपको ये बताने के लिए कि जो आपके जो सोशल मीडिया अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जितने आपके ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ये इनकी बिल्ट इन एनालिटिक्स इनके अंदर होते हैं ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा करूँ दिस इज़ बिल्ट इन मैंने सिर्फ स्क्रीन शॉट लिए हैं आई हैव नॉट डन एनी थिंग इसमें बेस्ट ये है कि आप अपने जो अगर आपने जो अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं वहाँ पर आप सेटिंग वगैरह में जाएँ और वहाँ पर अगर आप एनालिटिक्स का भी एक आपको टैब मिलेगा लेफ्ट साइड पर फेसबुक में तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या स्ट्रेटिक्स हैं आपके जैसे ये जो हमारी एड थी उसकी अगर मैं समरी देखूँ तो ये इतने लोगों तक ये रीच हुई पोस्ट इंगेजमेंट लोगों ने अगर पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब कि इंगेजमेंट तो ये है कि कोई आ, किसी के पास आपकी एड पहुंची उसने ओपन की उसको पढ़ा फिर उसके बाद अगर उसको लाइक किया डिसलाइक किया उसके ऊपर कोई कमेंट किया तो वो फिर उसके बाद अपना जो है वो उसका इम्पैक्ट है या वो एक अपनी जगह फिर उसके बाद वो जो अगर आपने उसके साथ को वो कोई आपको मैसेज भेजता है फ़र्ज़ करें वो कहते है जी हमें जॉब की और डिटेल प्रोवाइड करें आप उसको फिर कुछ भेज दें तो देट बिकम वो जो मैसेजिंग हो जाती है कन्वर्सेशन की वो उसको आप इस तरह से कहें तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप देख सकते हो तो इससे आप जो भी जॉब पोस्ट की उसकी आपको यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी जो जॉब थी वो कितनी वैलिड थी कितनी एक्टिव थी क्या आपने उसको चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी जो आपकी एडवरटाइजिंग की स्ट्रेटजी है उसको आप चेंज कर सकते हैं